कश्मीर समाचार की न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरों पर। राजौरी के डांगरी में हुए हमले में एक नया अपडेट सामने आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि डांगरी गांव में हुए हमले में शामिल आतंकी राजौरी जिले के पहाड़ी इलाकों में छिपे हुए हैं और उनके बारे में सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए मिलेंगे। इसी के साथ पुलिस ने कहा कि आतंकवादियों की किसी भी तरह से मदद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि राजौरी के डांगरी गाँव में 1 जनवरी को हुए आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गयी थी और अब पुलिस की ओर से बड़ा अपडेट सामने आया है कि राजौरी हमले की साजिश रचने वाले आतंकी अब भी राजौरी की पहाड़ियों में छिपे हैं। वो एक और आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं। साथ ही पुलिस को जानकारी भी मिली है कि कुछ लोग आतंकियों को पुलिस और सुरक्षा बलों की गतिविधियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कुपवाड़ा जिले के कलारपोरा इलाके में उत्तर प्रदेश निवासी एक ही परिवार के 5 सदस्य अपने किराए के मकान में मृत पाए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पांचों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। कुपवाड़ा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये परिवार उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला था। परिवार में 3 बच्चों समेत पति पत्नी शामिल थे। डोडा के ठाठरी में लोगों के घरों में आई दरारें जमीन धंसने से नहीं बल्कि जमीन खिसकने से आई हैं। ये खुलासा जम्मू विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की ओर से प्रभावित इलाके में की गई जांच में हुआ है। वरिष्ठ भूमि विशेषज्ञ प्रोफेसर जीएम भट्ट के नेतृत्व में डॉक्टर युधवीर सिंह की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की है। उनका कहना है कि ठाठरी की नई बस्ती ढलान पर बसी है, इस कारण बारिश का पानी जमीन के अंदर रिसता रहा जिसका प्रभाव अब दिखना शुरू हुआ है। जेएमसी हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन चेयरमैन अरुण खन्ना ने आज वार्ड नंबर 10 और 11 का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ पार्षद अनिल मासूम और अनीता शर्मा भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही महबूबा मुफ्ती ने आज दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते महबूबा और पीडीपी के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया।